व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी थी कि आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका एक रुपया भी नहीं जाता, पर हाँ, हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कलेक्शन लाएँ, बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन लाएँ, और वो भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली में। तो गाइस, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज की वीडियो पे आते हैं। आज का हमारा जो कलेक्शन है वो दोबारा से जड़ाऊ ज्वेलरी पे है। जड़ाऊ ज्वेलरी पे इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों की फिर से डिमांड आई थी कि आने वाला सीज़न जो है वो फेस्टिव सीज़न है, जिसमें कि इस तरह की ज्वेलरी की बहुत डिमांड रहती है। और जो जड़ाऊ ज्वेलरी है ये क्योंकि गारंटी वाली ज्वेलरी है, जो 6 मंथ की गारंटी के साथ स्पर्श ज्वेलरी दे रहा है आपको, तो इसके संग ये भी नहीं है कि आज आपने लिया वो थोड़े समय बाद रखी काली पड़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इनको 6 मंथ, इवन ये लोग बोलते हैं कि 6 मंथ आप इनको रेगुलर पहनोगे, इसके ऊपर साबुन पानी गिराओगे तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अगर आप इनको ढंग से ट्रीट करते हो, मतलब कि आने के बाद इसको उतार के रख दोगे, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक ये ज्वेलरी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये एज इट इज़ इतनी ही ब्यूटीफुल लगती है। इनकी जो ज्वेलरी का प्लस पॉइंट जो मुझे लगा जब मैंने इनका फर्स्ट विजिट किया था इनकी फर्म में, वो इनका रॉ मटेरियल था। जैसे कि जो इनकी प्लेटिंग है, ज़्यादातर जो जड़ाऊ ज्वेलरी का बेस होता है वो होती है उनकी प्लेटिंग, क्योंकि उनके ऊपर जो आप कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ाना, उसकी भी ना क्वालिटी होती है। ये सुपीरियर क्वालिटी में अपनी ज्वेलरीज बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो 4 पुश्तें हैं वो गोल्ड का काम करती आ रही है। अब जो न्यू जनरेशन है वो इस तरह की ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी में डील करने लगी हैं, तो इनका जो मतलब वर्क क्वालिटी है, क्योंकि दादा परदादा के टाइम से ये, तो ये लोग कभी भी क्वालिटी में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही कारण है कि मेरठ जैसी छोटी सिटी में होने के बाद भी इनकी 4 फर्म हैं, जिसमें कि 2 फर्म्स इनका गोल्ड का काम करती है और 2 फर्म जो है वो ज्वेलरी का, ये जड़ाऊ ज्वेलरी का काम करती है। इनमें जो रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, जैसे कि आप ये इस पे कंगन में ही देख रहे होंगे, रूबी है, माणिक है, मोती है, पन्ना है, वो रियल वाले हैं। ये वो वाले कांच के टुकड़े वाले नहीं हैं कि वो लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद वो काला हो जाता है या निकल जाता है, ये वो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। जो इनके यार गोल्ड की ज्वेलरी में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये सेम उसी चीज़ को अपनी जड़ाऊ ज्वेलरी में ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो हर तरीके से क्वालिटी है, चाहे वो प्लेटिंग की क्वालिटी आप कह लो या फिर इसकी जो वर्क है, वर्क क्वालिटी कह लो, या जो कुछ भी इसमें यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने बोला हीरा मोती पन्ना माणिक, वो सारा रियल है। अब अगर इनकी बात करें तो इनकी फिनिशिंग इतनी बेहतरीन होती है, जैसे कि अगर आप ये चिक देख रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी आपको गैप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक करने का सबसे बड़ा जो आसान तरीका होता है गाइस, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना इनका इवन वर्क मिलेगा। कहीं पे भी आपको देखिए, जैसे ये मोती की लड़ है गले की, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल फिनिशिंग्स के साथ मिलेगी। प्लस इनका जो बीच का रॉ मटेरियल है, अब इनकी प्लेटिंग ही आप देख लीजिए, हमने जान के ये सारी चीज़ें आपको इसलिए ही दिखा रहे हैं। इनकी फिनिशिंग देखिए कि ये जो पॉलिश है, ये वही पॉलिश है जो गोल्ड की, जो प्रीमियम क्वालिटी की जो पॉलिश होती है वो है, जो सालों साल ख़राब नहीं होती। ये वैसी वाली जो चीप पॉलिश होती है, एक तो जो बहुत पीली पीली सी अलग से दिखती है कि हाँ आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है, वो वाली नहीं है। आप इस ज्वेलरी को अपनी गोल्ड की ज्वेलरी के साथ रख के देखें तो आप खुद डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सी गोल्ड की ज्वेलरी है और कौन सी इनकी ज्वेलरी। गाइस, इनके जो वर्क
जो यूनिट है मैंने वहाँ जाके देखा कि एक एक सिंगल पीस पे भी ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इन्होंने इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन कर रखा है अपनी ज्वेलरी को लेके कि मतलब ये ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ पे काम करते हैं। यही वजह है कि इनके जो बहुत पुराने कस्टमर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दादा परदादा के टाइम से इनके यहाँ जो काम करते चले आ रहे हैं, जो इनके संग जुड़े हुए हैं, वो आज तक कायम है। मतलब उन लोगों की जनरेशन भी आज तक इनसे जुड़ी हुई है। तो आज के टाइम में अगर ऐसी चीज़ आपको कहीं पे मिल रही है तो आप खुद सोच सकते हो कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। कि आज के टाइम में आपको कस्टमर होल्ड करना, कि जो कस्टमर आपका है वो आप ही के पास चार पुश्तों से बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फर्म के लिए। रही बात जब मैं इनके यहाँ, इनके जो फर्म के जो इनके पिताजी हैं, जो फादर हैं, मैं उनसे मिली थी, तो उनका यही कहना था कि हम जो है, हमारा नाम हमारे लिए सब कुछ है। मतलब उनकी जो सोच थी वो ये थी कि हमारा नाम ही हमारा सब कुछ है, अगर नाम से ही काम चलता है। मेरठ जैसी सिटी में अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर जगह को लेकर कोई चीज़ कोट नहीं कर रही, पर मेरठ एक छोटा सा सिटी है, यूपी का सिटी है। यूपी में अभी भी लोगों के अंदर ये चीज़ है कि अगर हमसे कोई इंसान जुड़ा है, हमसे कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उसको हम वैल्यू फॉर मनी दें, मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका नाम ना खराब हो। जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज़ दिल्ली में या कहीं बड़ी सिटी में, बॉम्बे में, कहीं पे भी कुछ खरीदते हैं, वो लोग कहते हैं जी खरीद लो, हमारी कोई मतलब इसके बाद जिम्मेदारी नहीं है, या वो बोलने के लिए आपको कह देंगे कि हाँ भाई 6 महीने की गारंटी है, आप ले जाइए, कुछ होता है तो हम बैठे। अब अगर उसमें कुछ होता है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लेके गए, उन्होंने ये बोला, ऐसा हो जाता है, अच्छा ठीक है हम देखेंगे क्या हो सकता है, पर वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जब उन्होंने बोला था कि रिप्लेसमेंट वारंटी है या रिफंड है, वो कुछ नहीं करेंगे। पर ये अपने जो वैल्यूज़ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इतने ज़्यादा मतलब अपने रूल्स पे बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कस्टमर लाइन है, पुराने के साथ साथ नए लोग जुड़े हैं। अब बात आती है इनका माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है। गाइज इनका माल ज़्यादातर तो साउथ में, जयपुर में, क्योंकि जयपुर में भी जड़ाऊ ज्वेलरी का बहुत बड़ा स्कोप है, वहाँ पे होता है। इवन अब गुजरात में भी और बॉम्बे में भी इस तरीके की ज्वेलरी का बहुत प्रचलन बढ़ गया है। वो बड़ा इसलिए है क्योंकि गाइस हर टाइम ना एक चीज़ का सीज़न आता है। आप समझिए, जैसे कि अभी एडी ज्वेलरी का बहुत लंबे टाइम से स्कोप चला रहा है। एडी ज्वेलरी हर जगह आपको मिलेगी कि एडी ज्वेलरी लोग पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब जो आया वो ऑक्सीडाइज के संग कुंदन का फैशन चल रहा है इस टाइम। पर टाइम के साथ साथ ना फैशन चेंज होते रहते हैं ज्वेलरीज़ के सेक्शन में भी, कि आज एडी का काम चला है, कल ऑक्सीडाइज का चला है, उसके बाद किसी और चीज़ का चला है, उससे पहले डूजी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा स्कोप था। पर ये जो ज्वेलरी है, इसका बेनिफिट ये है कि ये फैशन कभी आउट नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को आप भी नहीं नकारोगे कि ये वाली जो ज्वेलरी होती है, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी का इंडिया में इतना स्कोप है, आजकल लोग डर की वजह से पहनते नहीं हैं, बट गोल्ड की ज्वेलरी हमेशा से ही इंडिया में बहुत पॉपुलर रही है। और अब मतलब माना जाता है कि गोल्ड की ज्वेलरी आपके लिए बहुत शुभ होती है। अब ये डर है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहनना आज के टाइम में सही नहीं है, तो इस तरीके की ज्वेलरी आप पहनिए, आप खरीदिए, आप बेचिए, ये कभी आउट ऑफ फैशन होगी ही नहीं, ये हमेशा ही ट्रेंड में रहेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। रही बात अगर आप इनसे बल्क परचेजिंग करते हैं, तो आपको जो इनकी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको गारंटी देंगे कि किसी भी तरीके की माल में अगर कोई शिकायत आती है, वैसे आज तक आई ही नहीं है, पर फिर भी ये लोग ये चीज़ बोल के चलते हैं कि अपने माल की गारंटी हम दे रहे हैं, उसके अलावा सिंगल पीस भी आप बाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस कलेक्शन एंड प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। लास्ट के स्लाइड पे मैंने आपको दो कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें एक कार्ड में इनका जीएसटी नंबर है, जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि ये प्रॉपर जीएसटी होल्डर हैं। सेकंड कार्ड में इनके दोनों नंबर हैं, जिन पे आप कांटेक्ट करके सिंगल और बल्क में परचेसिंग कर सकते हैं। बल्क बायर के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर है, जो आने वाले फेस्टिवल सीज़न के लिए है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे दिवाली है, करवा चौथ है, अभी तीज आ रही है,
भाई दूज है तो उसमें ये ज्वेलरी का बहुत अच्छा स्कोप है। आप इनसे बाई करिए, इनका सिंगल पीस भी लेके देखिए कि आपको ये अच्छा लगे तो फिर और लीजिए, क्योंकि ये लोग अपने वर्क में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इस वीडियो को डालने का सिर्फ यही मकसद था कि ये जो ज्वेलरी है आप सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास पहुँचे, जिससे जो बीच के कट्स हैं वो ख़त्म हो जाए और ये आपके पॉकेट के पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी बन जाए। आई होप यू लाइक दिस कलेक्शन एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।